मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं नकुलनाथ। छिंदवाड़ा संसदीय सीट परंपरागत सीट रही कमलनाथ की। 8 बार सांसद कमलनाथ खुद चुने गए और अब अगली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा। बहुत ज्यादा चुनौती थी मध्य प्रदेश में, लेकिन नकुलनाथ कांग्रेस पार्टी से छिंदवाड़ा से चुनाव जीत गए। और इस तरीके की खबरें जो मिल रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी ने इस तरीके की जीत को लेकर ही बड़े सवाल खड़े किए हैं, ये कहते हुए कि राजनीति में वंशवाद एक बड़ी समस्या है संगठन के स्तर पर। उधर बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने न्यूज नेशन से बातचीत की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वंशवाद से उबर नहीं पाएगी। राज्यसभा से बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, राहुल गांधी ने इस हार के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी बाकायदा, लेकिन कार्यकारी की मीटिंग में इस्तीफे से इनकार कर दिया गया, नहीं लिया गया। देखिये, यह तो एक कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा, कौन नहीं होगा, कौन इस्तीफा देगा, किसकी इस्तीफा स्वीकार किया जाए। कांग्रेस पूरी तरह से वंशवाद के चक्रव्यूह में फंसी हुई पार्टी है, जिस दलदल से निकलना इसके लिए अब संभव नहीं लगता। गहलोत जैसे और कमलनाथ जैसे नेताओं से नाराज दिखे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि आप पुत्र मोह के लिए आपने पार्टी का नुकसान कराया बड़ा। देखिए, राहुल गांधी ने उनको बताया है, देखिए वंशवाद सिर्फ उनके परिवार तक ही अनुमति है, उसके परिवार के नीचे वंशवाद अनुमति नहीं है। यानी कि राहुल गांधी उन्हें बताना चाहते हैं कि आप अपने बेटे बेटियों को चुनाव ना लड़ाएं, यह सिर्फ 10 जनपद तक का ही विशेषाधिकार है। और यही प्रति प्रश्न है, यदि कमलनाथ और गहलोत और चिदम्बरम राहुल गांधी से पूछ लें, ऐसी कौन सी आप में खूबी थी और है जिसके कारण सोनिया जी ने पूरी जिम्मेदारी आपको दे दी, ऐसी कौन सी खूबी या खासियत प्रियंका जी में है जो बाकी महिला कार्यकर्ताओं में नहीं है, जो पूरी जिम्मेदारी प्रियंका जी को दे दी, ऐसी कौन सी वैशिष्ट्य लेकर रॉबर्ट वाड्रा देश में लोकप्रिय हैं जिसके कारण रॉबर्ट वाड्रा को पार्टी का सर्वोच्च नेता बनाया जा रहा है। तो ये बेबुनियाद प्रश्न है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली।